दोस्तों, मारुति सुजुकी अगले साल अपनी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी विटारा ब्रेजा का न्यू जनरेशन मॉडल लॉन्च करने वाली है। लॉन्च से पहले 2022 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा की तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो चुकी हैं। तस्वीरों में कार का एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर और बाकी फीचर्स की डिटेल सामने आ चुकी है। आइए जानते हैं नई ब्रेजा में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। दोस्तों, न्यू जनरेशन विटारा ब्रेजा में एक्सटीरियर डिजाइन को काफी बदला गया है। इसमें अब ड्यूअल पॉड प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप दिया गया है, जिसमें एलईडी डीआरएल भी इंटीग्रेटेड होंगे। इसके सिंगल स्लेट ग्रिल में दो यू शेप के क्रोम इंसर्ट दिए गए हैं। इसके साथ ही नया ड्यूअल टोन फ्रंट बम्पर, फॉग लाइट और ब्लैक बॉडी क्लैडिंग होगी। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें नए डायमंड कट अलॉय व्हील्स, नए रूफ रेल्स, ब्लैक आउट ए बी और सी पिलर्स। साथ ही दोस्तों, इस कार को अब हाईटेक प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा, जो कि बेहतर सेफ्टी के लिए जाना जाता है। तो शायद ये कार मारुति सुजुकी की सबसे सेफ कार हो सकती है। वैसे पहले वाली विटारा ब्रेजा भी ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार रेटिंग लेकर आई थी। कार के रियर साइड की बात करें तो इसमें रियर वाइपर, वॉशर, नए रैप अराउंड एलईडी टेल लाइट्स, ड्यूअल टोन रियर बम्पर और एक हाई माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ स्पॉइलर दिया गया है। इंटीरियर में भी काफी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे जरूरी फीचर एडिशन में सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर, सुजुकी कनेक्ट टेलीमेटिक्स टेक्निक और एक बड़ा फ्री स्टैंडिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल किया गया है। इसमें रिवाइज्ड इंस्ट्रूमेंट कंसोल, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, नया डैशबोर्ड और नए एसी वेंट भी दिए जाएंगे। इंजन के बात करें तो नई विटारा ब्रेजा में पहले वाला ही 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिए जाने की संभावना है। एग्जिस्टिंग मॉडल में 103 bhp की मैक्सिमम पावर और 138 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करने वाला इंजन है। इस इंजन को 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक से जोड़ा जाता है। इसके अलावा एसयूवी में SHVS माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेंगी। हालांकि दोस्तों, आपका इस कार को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।